अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है दोस्तों? ठीक ठाक, उम्मीद है तुम सारे अच्छे होंगे। आज जाते हैं इसका वो करवाते हैं, नंबर प्लेट वगैरह लगवाते हैं। यार सबसे ज़रूरी है आज का नंबर प्लेट, तो ये कल भी पुलिस वाले बड़े तंग कर रहे थे, तो अब कुछ हो या ना हो पहले इंशाल्लाह पहले पहले नंबर प्लेट लगवाएंगे, बाकी उसके बाद सोचेंगे काम करवाना है या नहीं करवाना। पहले पहले जाएंगे नंबर प्लेट, आगे और पीछे, आगे के इतना ज़रूरी नहीं है, पीछे के लिए ज़रूरी है। हो सही नंबर प्लेट, ये जाते हैं खैर से इसका नंबर प्लेट लगवाते हैं, ये तो खैर से निकलते हैं। अच्छा जी, तो कब मैं घर से निकला, सही है, जा रहा था शॉप पे टिप टॉप वाले पे कि नंबर प्लेट वगैरह बनाने, सही है ना? तो पता नहीं क्या हुआ, ब्रेक वाला कौन सा एक रॉड होता है ना, किसके साथ ब्रेक लगते हैं उसके साथ एक दूसरा रॉड होता है मोटा सा, उसका शायद नट निकल गया था। नट निकल गया तो वो टूट गया, उसका दूसरा तार भी वो गोल गोल घूमता रहा, सही है। शोर कर मैंने कहा क्या हुआ, देखा ब्रेक भी नहीं लग रहा था, आगे वाले ब्रेक के ज़रिए मैंने उसे ठहरा दिया साइड पे। मैंने देखा रॉड टूटा, चलो मैंने कहा सामने ही मैकेनिक था उसके पास मैं ले गया, ठहरा दिया। अब पुलिस वाली एक डायरेक्शन आई, सही है, आई कहता पता नहीं मैकेनिक से पूछा कि ये घर किधर है, कहता वो पीछे वाला घर है, सही है। तो मैं बैठा था, मैं मास्क लगा के कैप पहना हुआ था, मैंने बैठा हुआ था उसके साथ मैकेनिक के साथ, वीडियो ही बना रहा था, वीडियो भी यहाँ चलता होगा। तो क्या हुआ, उसने कहा ये मोटरसाइकिल किसके है, उतर आए सारे। मैंने कहा सर मेरा, कह रहे डाक सर में डालो। मैंने कहा क्यों सर, कहता ये गैर कानूनी है। मैंने कहा कैसे सर, मुझे समझाएं ज़रा। तो कहता कि इसका का नंबर प्लेट किधर है। मैंने कहा सर नंबर प्लेट लगवाने ही जा रहा हूँ। कहता मुझे समझाओ कि ये गैर कानूनी कैसे नहीं। मैंने कहा मुझे सर इसमें ना रेस हो सकती है, सही है सर। वो दूसरा उसके साथ था, वो कह रहा था कि सर ये व्हीलिंग वाला है। मैंने कहा व्हीलिंग आप मुझे करके दिखा दें इसके ऊपर, ये व्हीलिंग वाला नहीं है। तो हाफ गियर लीवर को वो चेयर जाता उसका दूसरा बंदा, कहता सर ये गियर देखें गियर भी इसका आधा है। तो मैंने कहा आधा हो या पूरा हो आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, नहीं मुझे फ़र्क पड़ रहा है, सही है। गियर लग रहा है और निकल भी रहा है, सही है, मोटरसाइकिल के साथ काम है, आप गियर लीवर को ना छेड़ छेड़ रहा था, निकाल रहा था, कह निकाल लो। मैंने कहा कैसे निकालें, मैकेनिक ने काम छोड़ दिया। मैंने कहा आप काम करें, मैकेनिक को काम, मैंने कहा आप काम करें, छोड़ें नहीं इसको, सही है, मैं देखता हूँ उसे। तो कहता क्या करता है तुम्हारा अबू? मैंने कहा मेरा अबू वकील है, महबूब वकील। कहते अच्छा महबूब वकील के बेटे? मैंने कहा जी हाँ। तो थोड़ा डाउन हो गया, वरना वो पूरा इरादा था उसका पैसे बनाने का। कहता तुम क्या कहते हो? मैंने कहा करता हूँ, सही है, अब मैं बता नहीं सकता। तो कहता अच्छा उधर हो तुम, तो और भी डर पड़ गया। तो मैंने कहा ये बात है। तो इधर ही कुदरती से अबू के कोई दोस्त जा रहे थे गाड़ी में, उन्होंने देखा कि पुलिस वालों के साथ ठहरा हुआ था मैं, तो वो भी उतर आए, वो सारे ऑफिसर वगैरह थे। तो उन्होंने कहा क्या मसला है? देखिए तो बस सर थोड़ा मोटरसाइकिल को देख रहे थे, थोड़ा गैर कानूनी बना हुआ है। तो उसने कहा गैर कानूनी इसमें क्या है? उसने कहा सर गियर भी हाफ लीवर है और पीछे से ये चीज़ भी ऐसे। तो सर तुम कौन से अबू के दोस्त हो के कह रहे थे कि ये क्या है? मैंने कहा सर ये कैफे रेसर है, आजकल ट्रेंड है, चल रहा है यूट्यूब पर, मेरे चैनल भी उसके लिए बस वीडियोज़ वगैरह बनाता रहता हूँ। कहता अच्छा, तो वो साइड पर गए थे जैसे चौक होता, सही है ना? तो वो कह रहे बस चलो बच्चों चलो आप अपना काम करो। मैंने कहा शुक्रिया सर, अब ये पूरे पैसे लेने के इंतज़ाम में ही थे, पैसे नहीं इससे निकालें कोई तरीके से भी, आए किसी पूछने के, किसी का घर का पूछना था, फौत की मौत की हुई थी उसके दो की शायद वाली बात है, क्योंकि वो दूसरे को बता रहा था तो मैंने सुन लिया। तो खामा खा पैसे के चक्कर पे रुक गया था, कहने चलो 500 इससे निकाल ही लें। मैंने कहा मिल जाए तो बताना, तो ये चक्कर है। तो उसके बाद हमने नंबर प्लेट के लिए किए। अच्छा जी, हम यहाँ आ चुके हैं टिकटॉक वाले के पास, ये डिज़ाइन पसंद कर लेते हैं कौन से डिज़ाइन से बनाना है और देखेंगे फिर। ये पीछे के लिए साइड पे ऐसे लंबाई पे लगाएंगे शाकर के साथ, ये वाला नंबर प्लेट है और
डिजाइन पसंद करना। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. वैसे ये नंबर प्लेट बन गए, बीस के ऊपर गोल्डन पेपर भी लगाना है, उसके बाद फिर उसके बाद दूसरा पेपर लगेगा ब्लैक वाला, क्योंकि शाइनिंग यहाँ से फिर सही नज़र आएगी ना उसके। उसका एक पूरा तरीका होता है उनका, देखते हैं क्या करते हैं। ये वाला गोल्डन लगाएंगे, ये तो शायद से बन गए, ये आगे का नंबर प्लेट है और आगे वाले की पतरी भी नहीं है, वो फिर लानी पड़ेगी घर में पड़िए। तो ये पीछे के लिए ये यहाँ लगाएंगे ऐसे, इसमें सुराख खाना रह रहा है, इसका फ्रेम भी बनाते हैं पहले। प्यारा बन चुके हैं, गोल्डन ब्लैक है, मज़ा करेगा जाके इसका वो फ्रेम बनाते हैं और लगाते हैं जल्दी जल्दी। यहाँ उसके पास आ गए हैं, किसे ये सिलेंसर लगवाया तो वो कहते हैं यहाँ लगाते हैं, अब जाते हैं इसके और क्या पतरी वगैरह बनाते हैं उस वक्त। To create a song, I don't wanna miss a beat. ये पतरी तो बन गई है खैर से, ये यहाँ लगी कैसे, और ये कह रहे हैं इसका डबल टैप भी लगाएं और सिलिकॉन भी लगाएं, पहले इसके ऊपर रंग करना पड़ेगा। सिलिकॉन ऐसे कह रहा था कि बिल्कुल ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है, मतलब गिरेगी नहीं नंबर प्लेट और डबल टैप ख़राब हो जाएगा। अच्छा जी, ये टैप इसके ऊपर डबल टैप लगा दिए वो अच्छे हो जाएगी, अपनी गाड़ियों पे अक्सर इस्तेमाल होता है। इस पर बड़े वाले नंबर प्लेट लगाएंगे, उसके लिए अलग वो आगे पतरी लगेगी वो लगाएंगे। और ये जब एक होते हैं इसका, और ये ऐसे यहाँ लगेगा इधर, अच्छा इंशाल्लाह मज़ा करेगा, प्यारा लगेगा। ये नंबर प्लेट इसके ऊपर लगा देते हैं, ये नंबर प्लेट तो पैर से लग गया है इसका, ये वाला और ये आगे वाला नहीं लग सकता क्योंकि इसके वो पतरी नहीं मिल रही फिलहाल, तो ये ढूंढने के तो मिल जाएगी इंशाल्लाह, ये तो मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही है, क्या लग रहा है आगे पीछे से, तो आज के लिए इतना ही है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना, वीडियो को लाइक भी कर देना और भाई को सपोर्ट भी करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।